अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उज्जवल युवा विकास परिषद ने दुर्ग शहर की महिलाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सवा अंजुम हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी गुलाटी, समाज सेविका एवं औषधि निरीक्षक आस्था वर्मा, चेंबर ऑफ कॉमर्स महिला विंग की अध्यक्ष सुश्री पायल जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री एवं समाज सेविका रत्ना नारमदेव को उनके निवास स्थान जाकर परिषद के अध्यक्ष दिलीप मिलाप, अरविंद सिंह कुशल मटियारा, आनंद कपूर ताम्रकार सहित परिषद के सदस्यों ने सम्मानित किया। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए तो हर दिन एक महिला दिवस होता है। महिलाओं के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है, बट ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक ऐसी परंपरा बनाई गई है जो हर देश में मनाया जाता है। महिलाओं को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और सबसे पहले महिलाओं को खुद का अपना सम्मान करना आना चाहिए। जिस दिन महिलाएं अपना खुद का अस्तित्व समझेगी, देश समाज अपने आप उनको सम्मान देना चाहेगा। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में देखा जाए तो 365 दिन पूरे महिलाओं के ही रहते हैं। आज हम देखते हैं कोई भी ऐसा क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता जहां महिलाएं जो हैं बहुत अच्छी पोजीशंस पे नहीं हैं। दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि जितनी भी संस्थाएं जो महिलाओं के द्वारा चलाई जा रही हैं या जो लीडर्स या हेड्स जिनकी महिलाएँ हैं, शायद हर मायने में वो दूसरी संस्थाओं से बेहतर चल पा रही हैं, क्योंकि महिलाओं में प्राकृतिक रूप से इतने सारे गुण हैं। दया देख लीजिए, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, इसके अलावा मैनेजेरियल कैपेसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन का गुण, सभी कुछ है जो कि पुराने समय में महिलाएं घरों में किया करती थी। आज वही मौका मिला है तो कार्यक्षेत्र में जाकर अपने इन गुणों का उपयोग कर रही हैं, तो हर क्षेत्र में बहुत सफलता महिलाओं को मिल रही है। और मैं सभी महिलाओं से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की क्षमताओं को आपको पहचानना है, कभी अपने आप को दूसरे से इंफीरियर मत समझिए। आप अपने श्रेष्ठ गुणों को पहचाने और उसके अनुरूप समाज में आप काम करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्योंकि आज पूरे विश्व में महिला का जो सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं की भी बहुत अच्छी सोच है। और आज महिला वाले विकास के माध्यम से जो महिलाओं का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छे ढंग से रखा गया है। महिला को सम्मान किया गया जो कुछ भी नहीं है। मैं हर महिला से ये कहना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो महिलाओं को महिलाओं को एक समूह बनाया गया, महिलाएं उसमें जुड़ करके छोटे छोटे उद्योगों से जुड़ना शुरू हुई। स्व सहायता समूह बनाया, स्व सहायता समूह के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन्हीं स्व सहायता समूह से बहुत सी उपलब्धियाँ दिलाई जा रही हैं, चाहे गौठान के माध्यम से हो या समृद्धि योजना के माध्यम से। ऐसी बहुत सी योजनाएँ लेकर चल रहे हैं क्योंकि किसान पुत्र हैं और उन्हें यह मालूम है कि महिलाएं किन संघर्षों से जूझ रही हैं और उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो महिलाओं का मान बढ़ा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान दे रहे हैं ये वास्तव में तारीफ काबिल है। और मैं महिला वाले विकास को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज महिलाओं ने इतने अच्छे तरीके से जो कार्यक्रम किया है, उन्होंने नृत्य से लेकर बहुत से अच्छे अच्छे छोटे छोटे कार्यक्रम रखे हैं। कुछ व्यंजन भी बनाए हैं जो अभी जो अतिथि आएंगे तो अतिथि के माध्यम से उनको देखा जाए। ज़्यादा उन्हें कहते हैं कि वाणी को विराम देती हूँ मैं समाज सेविका रखूँगी।